हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक अपने नॉलेज बूस्टर की सीरीज में, एंड दैट इज योर द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। सर, ये आप कौन सा नाम बोल रहे हैं? हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब तक आप लोगों ने टैक्स इनवॉइस नाम सुना होगा, लेकिन अब हम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या कंसोलिडेटेड इनवॉइस कब इश्यू करता है? मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड बंदा हूं और मैं रिटेलर हूं, मेरे पास कोई 20 रुपए का सामान लेने आता है, कोई 50 रुपीज का, कोई 30 रुपीज का, कोई 100 का, कोई 1000 का, कोई 500 का। आई एम अ रिटेलर एंड आई एम जस्ट डूइंग सच टाइप ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द डे विद डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स। कम से कम सैकड़ों लोग आते हैं, पचासों लोग आते हैं और मुझसे वो ट्रांजेक्शन करवाते हैं। आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड आई हैव टू इश्यू टैक्स इनवॉइस। दैट इज द नॉर्मल ऑब्लिगेशन एज यू नो कि हर एक बंदे को मुझे क्या करना है, टैक्स इनवॉइस देखना है अगर मैं रजिस्टर्ड हूं। तो अब कितनी बड़ी हरासमेंट है एक छोटे रिटेलर के लिए जो रजिस्टर्ड तो है, छोटा बंदा है, मीन्स छोटा बिजनेसमैन है, और उसके पास छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, 5 रुपए से लेकर के 5,000-10,000 रुपए तक छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं थ्रू आउट द डे। अब कोई 20 रुपए का सामान लेने आए, भाई साहब रुकिए हम आपका टैक्स इनवॉइस निकाल लें। दे आर नॉट कॉलिंग फॉर दैट, दे आर नॉट आस्किंग फॉर दैट। वो नहीं कह रहे हैं कि हमें टैक्स इनवॉइस दो। हम कह रहे हैं भाई साहब रुक जाओ, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन डाला हुआ है, जीएसटी का टैक्स इनवॉइस तो देना जरूरी है, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, 20 रुपए का। अब 20 रुपए क्या मतलब बनता है? आपने एक काम करी, गवर्नमेंट ने तब एक रेस्ट्रिक्शन लगाया कि 200 रुपए तक, 200 रुपए तक का अगर आपको इनवॉइस इशू करना है, 200 रुपए के अंदर तक का, तो आपको कोई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते सामने वाला अनरजिस्टर्ड बंदा हो। मेरी बात ढंग से सुनेंगे, सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है जो बायर है, मैं रजिस्टर्ड हूं, आई एम अ सेलर, तो भले ही वो हमसे सामान खरीद रहा है, बट आई एम नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इश्यू टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस देन 200। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने 50 रुपए का सामान किया, मुझे कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, मींस दैट इज नॉट कंपल्शन। बट अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और वो कहता है भाई साहब हम 50 रुपए का सामान खरीदे, हमको तो आप टैक्स इनवॉइस दो, एट दैट टाइम इट विल बिकम कंपल्शन, तब मुझे तो उसको वो 50 रुपए का टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। मेरी बात समझे, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर द टैक्स इनवॉइस, 200 रुपए के अंदर का सामान है, जाए दो मतलब जाने दो। लेकिन अगर वो हमसे बोल देता है कि हमको उस 50 रुपए का भी टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो इन दैट केस आई हैव टू इश्यू टैक्स इनवॉइस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा जी, प्रॉब्लम कहां आती है? तो पहली कंडीशन, 200 रुपए तक के टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है जब तक कि सामने वाला ना मांगे। और हां, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो बट ऑब्वियस 200 तक की डिडक्शन, मतलब एग्जेम्पशन दिया गया है टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए थ्रू आउट द डे, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, शाम तक मान लेते हैं ऐसे 8,000 रुपए का मैंने ट्रांजेक्शन किया। कितने के? 8,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन किए, तो रात में यानी कि शाम को जब बिजनेस आवर्स क्लोज होता है तो उस समय मुझे 8,000 का सिंगल एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, विच इज टू बी नोन एज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। इज इट क्लियर? तो उन सबके लिए मुझे 8,000 का एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और 200 रुपए से कम वैल्यू का इनवॉइस है, और तीसरा इनवॉइस 200 रुपए से कम वैल्यू का है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और उसने टैक्स इनवॉइस नहीं मांगा है, तो हमें वहां पर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। शाम को ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जो छोटे मोटे हैं जिन पर हमने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया था, सामने वाले अनरजिस्टर्ड बंदा था और 200 से कम था, सबका मिलाकर हमें कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, बात खत्म। कैश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और बात आती है कि सर अगर सामने वाला रजिस्टर्ड हो और 20 रुपए का भी सामान खरीदे तो मजबूरी है, वहां पर 200 रुपए वाला सिस्टम लगेगा ही नहीं। 1 रुपए का भी सामान हो, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड बंदा है, वहां 1 रुपए का भी इनवॉइस वैल्यू होगी, तो भी हमें टैक्स इनवॉइस वहां पर इश्यू करना पड़ेगा। ये छूट केवल उस कंडीशन में है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, 200 से कम का सामान है और उसने टैक्स इनवॉइस की डिमांड नहीं की है। तो इस 3 कंडीशन में ही हम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस ऐसे सारे ट्रांजेक्शंस का प्रिपेयर करते हैं। होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अब आपको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस से लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा जी। नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर की सीरीज में हम आपसे फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे जिससे आपका जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।